नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं उनिशा सरोज, आई नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। जबलपुर में आगामी त्योहार के मद्देनजर डीजे और ध्वनि विस्तार यंत्र पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस सिलसिले में पुलिस कंट्रोल रूम में बैठक का आयोजन हुआ। इस आयोजन में लगभग 50 डीजे और बैंड संचालक को बुलाया गया। बैठक में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ डीजे और बैंड संचालक भी शामिल हुए। प्रशासन ने शांति समिति की बैठक में हुए निर्णय से डीजे और बैंड संचालकों को अवगत कराया और तकित की ध्वनि विस्तार यंत्र त्योहारों में प्रतिबंधित किए गए हैं, इसलिए उन्हें प्रशासन को पूरा सहयोग देना चाहिए। प्रशासन ने चेतावनी भी दी कि यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भैया, जो त्योहारों के मद्देनजर आज डीजे वालों की मीटिंग थी, आज त्योहारों के मद्देनजर डीजे वालों की बैठक बुलाई गई थी। डीजे वाले, बैंड वाले और ध्वनि विस्तारक यंत्र के और भी जितने भी लोग थे उन सबको बुलाया गया था और शांति समिति की बैठक में ये निर्णय हुआ है कि इस बार कोई भी डीजे कहीं भी नहीं बजेगा। ये बड़ा स्पष्ट आदेश हुआ है। शांति समिति की बैठक में सभी सदस्यों ने भी इस बात को समर्थन दिया है, इसलिए आज सबको बताया गया है। सभी को 107-16 में बाउंड ओवर करा दिया गया है। अब इसके बाद भी यदि कोई उल्लंघन करता पाया जाता है तो इसके खिलाफ कठोर एक्शन होगा, ये निर्णय लिया गया। जैसा कि एडिशनल एसपी साहब ने बताया कि जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि जो आगामी त्यौहार आ रहे हैं उसमें डीजे का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जावे। इस संबंध में आज जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा ये जो बैठक डीजे संचालकों की ली गई है उन्हें पूरी तरह से अवगत करा दिया गया है। वे अपने डीजे का उपयोग आगामी त्योहारों में बिल्कुल न करें, अगर करेंगे तो उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और उनके विरुद्ध जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई चल रही है उसमें आगे की कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाए। सर, ये थोड़ा आस्था और उल्लास का पर्व है, लेकिन क्या होता है पंडाल जो लगे रहते हैं आमतौर पर मार्ग पे रहते हैं तो थोड़ा बहुत मार्ग छोड़ा जाए, आवागमन पूरी तरह से बाधित न हो। इसके संबंध में भी सभी जो शांति समिति के वरिष्ठ सदस्य जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में आए थे और जो थाना स्तरीय जो शांति समिति की बैठक हुई है उसमें सभी से यह अपील की गई है कि रास्ता बिल्कुल पंडाल के लगाने के दौरान रास्ता बिल्कुल बाधित न करें जिससे जनता बिल्कुल परेशान न हो। और सभी ने आश्वस्त किया है कि हमारे द्वारा जो भी पंडाल स्थापित किए जाएंगे उसमें रास्ता को छोड़ करके ही पंडाल लगाए जाएंगे, रास्ता पूरी तरह से ओपन रखा जाएगा। अगर ऐसा कहीं पाया जाता तो इनके ऊपर क्या कार्रवाई? अगर कोई रास्ता को प्रतिबंधित करता है और जनहित में आवागमन प्रभावित होता है तो उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर से कदीर खान की एक रिपोर्ट।